चित्तौड़गढ़ जिले में शारदीय नवरात्र महोत्सव की शुरुआत रविवार से हुई। जिले की सभी शक्तिपीठों पर घाट स्थापना के साथ नवरात्र महोत्सव में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की गई। वहीं सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सवेरे से ही माता के मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शक्तिपीठ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर, लालबाई फूलबाई माता, जोगणिया माता, आसावरा माता, अंबे माता, दुर्गे माता के हनुमान पोल के समीप स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर सहित अन्य सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में सवेरे शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। वहीं अल सवेरे से ही भक्तों का माता के मंदिर में पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए महंत चंद्र भारती जी महाराज ने बताया कि इस वर्ष नवरात्रि अश्वनी मास में है। सूर्य चित्रा नक्षत्र में उसका स्वामी मंगल है और प्रतिपाद में 9 दिवसीय नवरात्रा में माता जी गज पर विराजमान होकर आ रही हैं और माता जी की कृपा से सभी के घरों में आनंद रहे। उन्होंने बताया कि जो इन नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उनके घर में सुख शांति वैभव पूरे वर्ष रहेगा। इस बार जो है अश्विन मास में सूर्य में और चित्रा नक्षत्र में मतलब उसका स्वामी मंगल है और प्रतिपदा में जो ये अभी 9 दिन का जो प्रोग्राम इसका जो चलेगा उसमें इस बार माता जी जो है गज पे विराजमान होकर आ रही हैं और भगवान की कृपा और माता जी की कृपा से सर्व कार्य सबके मंगल होंगे। जो भी इन दिनों में माता जी का पूजा पाठ आत्मा से और सच्चे हृदय से करता है उसको माँ जो है पूरे साल जो है आनंदमय करती है। अश्विन के नक्षत्र के जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ रहता है अगर उसको कोई करे तो उनके घर में कहते हैं कभी भी धन दौलत ऐश्वर्य किसी चीज़ की कमी नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होता, सुख शांति समृद्धि उनके घर में बनी रहती है, क्लेश उनके घर से दूर रहते हैं। अगर जो भी इसको मतलब अश्विन नक्षत्र में जो करता है इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है क्योंकि इसका साक्षात फल जो है महालक्ष्मी देती हैं और उनके घर में सबके आनंद करती हैं। क्या नाम आपका? आचार्य श्रवण श्याम देवी। बात की जाए आप भक्तों को शारदीय नवरात्र में आज 15 तारीख को प्रातः 8:15 बजे से चरलाभ अमृत का शुभ मुहूर्त स्टार्ट हुआ है। इसमें 1 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इसके बीच में घट स्थापना अपने मंदिर में की गई है। इसमें महान चंद्र भारती महाराज द्वारा प्रतिदिन आज से प्रतिमा का फर्स्ट दिन 1 कन्या की पूजा की जाएगी, दूसरे दिन 2 कन्या की, तीसरे दिन 3 कन्या की, इसमें 9 दिन सब दिनों अलग अलग कन्या की पूजा की जाएगी। उनको वस्त्र दिए जाएंगे, साथ ही 9वें के दिन कन्या सभी कन्याओं को बुलाकर भोजन एवं उनको वस्त्र का दान करेंगे। माता जी भोजन आप सभी जने अपने महा जो कुल देवी है अपने इष्ट देवी है उनका ध्यान करते हुए नवरात्रि का मतलब नूतन कार्य का सृजन करना मतलब नए कार्य का सृजन करना होता है। इसका आप जितनी भक्ति भाव से भगवान की पूजा करेंगे अपने कार्य जल्दी से जल्दी शुद्ध होंगे।